Hello friends, good morning and welcome to my channel Kolkata Lovebird. Friends, आज हम आपको वो सब लवबर्ड दिखाएंगे, मतलब जो लवबर्ड अभी तक ब्रीडिंग नहीं किया, तो मतलब ब्रीडिंग क्यों नहीं किया वो तो पता नहीं, लेकिन ब्रीडिंग नहीं करने के लिए मैंने क्या किया आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरा पास टोटल 22 पेयर लवबर्ड है फ्रेंड्स, जिसमें से सारा लवबर्ड से ब्रीडिंग कर लिया है, वो लोग का तो एक दो क्लच निकल भी गया है, अभी साथ थर्ड क्लास में एक दिया है, कुछ का अंदर ठीक है, लेकिन फोर्थ पेयर ऐसा है जो मेरा अभी तक ब्रीडिंग नहीं किया फ्रेंड्स, तो उनको हम आज दिखाएंगे आपको। और उनका ब्रीडिंग पेयरिंग मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, वो आपको आज दिखाएंगे। तो ये तो होगोरोमो का जो पेयर दिखाया था आपका, जिसका 6 चिक था, तो इनका 2-3 चिक मतलब नीचे आ गया है और बाकी 4 चिक अंदर है। तो जैसे ये लोग सेल्फ होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज का मैं आपको जो मेरा लवबर्ड है, सारा लवबर्ड उनका साथ आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और जो लवबर्ड अभी तक एक नहीं दिया उनको मैं एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि उनको मैंने अब तक मतलब आपको दिखाया नहीं था, आपने देखा नहीं है, क्योंकि वो लोग ब्रीडिंग नहीं किया, मतलब उनका कोई प्रोग्रेस नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको दिखा नहीं पाया। तो आज मैं आपको वो सब पेयर का दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहले इसको देखिए, ये आपको फिसल लग रहा है, मतलब ये दो प्याज था, इधर ही दो प्याज था, तो ये एक्चुअली लुटिनो फिसर रेड आई और वायलेट मार्क्स का ब्लड लाइन, मतलब पिछले सीजन में ये गलती से लग गया था। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, तो एक मतलब एक क्लास में 4 चिक्स आया था पिछले सीजन में, तो इनको मैंने आपस में लग दिया था, क्योंकि इसका ब्लड लाइन लुटिनो फिसर रेड आई था और वायलेट मार्क्स का ब्लड लाइन था, इसलिए मैंने 4 पीस को इधर ही रख दिया था, ताकि इनसे इनसे वायलेट मार्क्स या लुटिनो फिसर वायलेट मतलब लुटिनो फिसर रेड आई तो नहीं निकलेगा, लेकिन वायलेट मार्क्स निकलने का चांस है, तो इसलिए मैंने रखा था। लेकिन अभी तक ये दो पेयर ने ब्रीडिंग नहीं किया फ्रेंड्स, तो 4 पेयर को मैंने बड़ा केज में 2 तार पर 2 बॉक्स दे दिया था, देखिए, लेकिन इसने अभी तक कोई भी ब्रीडिंग नहीं किया, मतलब पेयरिंग लग गया था, ये लोग आपस में मूवमेंट भी कर रहा था, लेकिन ब्रीडिंग नहीं किया अभी तक। इसलिए मैंने क्या किया, एक पेयर को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया और एक पेयर को इधर रख दिया, और इसका मैं जो केज का जो पार्टीशन है, केज का पार्टीशन मैं दे दूँगा, मतलब छोटा केज इसको प्रोवाइड करूँगा, छोटा केज कर दूँगा इसका, तो उसके बाद मैं देखूंगा ये लोग ब्रीडिंग करते हैं कि नहीं। मतलब मैंने तो चेक किया था, इनका तो डीएनए मैंने नहीं किया, बाकी किसी का लवबर्ड का मैंने डीएनए किया नहीं था, तो मैंने देख के 2 मेल 2 फीमेल ही था, उस हिसाब से मैंने इसको पेयरिंग किया था, लेकिन ये लोग ब्रीडिंग नहीं किया। अगर देखते हैं, अगर इस सीजन में ब्रीडिंग करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इनका डीएनए करूँगा, डीएनए करके नेक्स्ट सीजन में देखूँगा। तो चलिए दूसरा पेयर को दिखाते हैं, इस पेयर को देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरा वायलेट मार्क्स का पेयर था, मतलब ये जो मेल दिख रहे हैं आपको, ये मेरा पिछले साल का है, इसका शायद लुटिनो फिसर का पेयरिंग लग गया था, और इसी का चिक मैंने आपको दिखाया, और जो 4 फिसर आया ग्रीन फिसर, तो इनके साथ मैंने इस बार वायलेट मार्क्स का फीमेल लगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग अभी तक ब्रीडिंग नहीं किया, वहाँ ब्रीडिंग का कोई मूवमेंट भी मुझे नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको ये ब्लू मार्क्स के साथ, मतलब ब्लू मार्क्स भी मेरे पास एक पेयर था, तो उसने भी ब्रीडिंग नहीं किया था, तो उस पेयर को मैंने तोड़ दिया, उसका मेल को मैं इसका जो फीमेल था वायलेट मार्क्स का उसके साथ लगाया, और इसको इसके साथ लगा दिया, मतलब पेयरिंग मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इंटरचेंज किया, और ब्लू मार्क्स को भी मैंने एक वायलेट मार्क्स के साथ पेयरिंग किया, और एक इस वायलेट के साथ मैंने पेयरिंग किया। तो अभी देखते हैं क्या होता है, चलिए दूसरा जो दो पेयर है उनको दिखाते हैं। अभी ये थर्ड पेयर है फ्रेंड्स, मतलब वो ग्रीन जो फिसर देखा था, 2 पीस है, एक तो ऑलिव में आया है, देखिए एक तो ऑलिव कहाँ है, और एक ग्रीन फिसर, मतलब एक 4 पीस लुटिनो फिसर और वायलेट मार्क्स ऑफ डेड लाइन का चिक्स था पिछले सीजन का, तो उसको मैंने इधर सेपरेट कर दिया, मतलब ये दोनों आपस से पेयर लगा दिया था, उसी हिसाब से मैंने इसको सेपरेट किया है, और मैंने तो चेक किया है मेल फीमेल मुझे लगा, मुझे तो उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं तो उतना परफेक्ट चेक नहीं कर पाया,
तो मेरे हिसाब से जो लगा मैंने इनको इधर पेयरिंग कर दिया। अभी नीचे आइए, इधर देखिए वो वायलेट मास्क का फीमेल को मैंने इस ब्लू मास्क का साथ इधर पेयरिंग किया। तो अभी तो 8-10 दिन लगेगा ये लोग को अपना से पेयरिंग करने के लिए, तो उसके बाद में इसका भी बॉक्स लगा देंगे। ये चार पेयर है जो अभी तक मेरे पास ब्रीडिंग नहीं किया, और बाकी जो 18 पेयर लवबर्ड है मेरे पास वो तो ब्रीडिंग किया है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी मिल रहा है, मैंने आपके साथ मतलब सारा प्रोग्रेस आपके साथ शेयर किया हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। कुछ जो सोचते हैं जो मतलब बर्ड्स ब्रीडिंग में बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए या बहुत दिन के बाद अच्छा प्रोग्रेस मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं फ्रेंड्स। मेरा 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है या पिछले साल से मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने आपको सारा प्रोग्रेस वाला वीडियो अपलोड करता हूँ। दूसरा वीडियो बाद दूसरा एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि दूसरा सारा सीनियर्स जो है उनका चैनल पे आपको मिल जाता है जो लोग कैसा इसका केयर करते हैं, कैसे मेडिसिन देते हैं, कैसे सॉफ्ट फूड देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मोटिवेशन वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि खूब कम समय में लवबर्ड्स या दूसरा बर्ड से भी प्रोग्रेस मिल सकता है। इसलिए मैं मैक्सिमम जो वीडियो है और प्रोग्रेस वाला ही अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स, ताकि जो नया भाई या दोस्त है मेरा उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके जे बर्ड से ब्रीडिंग कराना या प्रोग्रेस लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये चार पेयर है जिसने अभी तक ब्रीडिंग नहीं किया, और ये सबका ब्रीडिंग एज तो हो गया है क्योंकि इस एज में दूसरा जो पेयर था उनका 1-2 क्लच ब्रीडिंग कर भी चुका है। तो ये 4 पेयर है जो मेरे पास ब्रीडिंग नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इनको इंटरचेंज किया, पेयरिंग को तोड़ के इसके साथ उसका और उसके साथ दूसरा को लगा के मैंने अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कोई एक अगर प्रोग्रेस आएगा या कोई ये लोग का ब्रीडिंग रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ चेक करूँगा मतलब शेयर करूँगा। तो चलिए अभी जो दूसरा मेरा लवबर्ड का पेयर है वो सभी तो अभी एक में है, कुछ का चीक से सभी मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ दूसरा वीडियो में, तो वो सब लवबर्ड को मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये स्केज में तो ब्लू मार्क्स का पेयर है जिसका 5 चीक था, ये सबसे ऊपर का पोर्शन है मैंने आपको दिखाया था। नीचे आइए, नीचे ल्यूटिनो 500 का स्प्लिट है, तो इसने फर्स्ट टाइम 1 दिया था 4-1 वो ख़राब हो गया फिर, तो मैंने फेंक दिया है। दूसरी बार इसने मतलब ब्रीडिंग कर लिया है, 1 ले कर दिया है, तो सेकंड क्लास में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और थर्ड में तो आपको दिखा दिया, फोर्थ में भी आपको दिखा दिया, और इस जो लास्ट पोर्शन में है ये वायलेट मार्क्स के साथ ब्लू मार्क्स का पेयर है जो 4 चीक इसका है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। मतलब 5 चीक था, 1 चीक शायद एक्सपायर कर गया और 4 चीक सही सलामत है। अभी आइए, और इसमें फ्रेंड्स लुटिनो फिशर का पेयर है जिसने पिछले क्लास में 3 चीक दिया था, और इसका फिर से दोबारा इसने 1 दे दिया है, और एक कोबाल्ट मास्क के साथ ब्लू मास्क का प्यार है, तो इसने भी इसका एक 3rd क्लास है, 2 क्लास इसका सक्सेसफुली था, 3rd क्लास में इसने 6-1 दिया है। और लुटिनो फिशर जो था फ्रेंड्स इसने अभी मैंने जब चेक किया था 4-1 दिया था, इस बार शायद 5 या 6-1 देगा। अभी नीचे आइए, ये भी लुटिनो फिशर है, ये भी नया पेयरिंग है, ये मेरा पिछले साल का 6 था मतलब मेरा घर का ही बच्चा था, तो इसने फर्स्ट टाइम 1 दिया है। इधर आइए, ये तो उसको मौका था क्लिनियो का प्यार है, ये मेरा फॉस्टरिंग प्यार है मतलब मैं फॉस्टरिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसका पास मैंने लुटिनो फिशर का 3-1 दिया था, तो 1 चीक निकला था लेकिन वो एक्सपायर कर दिया और मैंने फेंक दिया, और 2 एग है उसका क्या प्रोग्रेस आएगा मैं आपको दिखाऊँगा। नीचे आइए, ये फ्रेंड्स ब्लू फिशर का था, वायलेट फिशर का प्यार है, इसका तो फ्रेंड्स 2 क्लास का 1 मतलब ख़राब हो गया, इसका बॉक्स में थोड़ा कीड़ा हो गया था मैंने आपको साथ शेयर किया था, उसके वजह से या मेरा गलती से इसका 2 क्लास ख़राब हो गया। अभी 3rd क्लास में इसने 6-1 दिया है, तो इस बार देखते क्या होता है। अभी नीचे आइए, नीचे तो फ्रेंड ऑलिव मास्क था मेरा, 6 मास्क है जिसका 4 चीक है मैंने आपको दिखाया था, वो कभी बड़ा भी हो गया है, अभी 8-10 दिन में ये लोग सब बाहर आ जाएगा, सेल्फ फीडिंग करने लगेगा, तो सब मैं आपको साथ शेयर करूँगा। आज से मैं अपना पूरा जो लवबर्ड है उसको इंट्रोडक्शन आपसे साथ करा गया हूँ।
अभी बगल में आइए, ये भी दोस्तों मॉक के साथ मेरा किमिनो का प्यार है, इसको मैं फर्स्ट टाइम पेयरिंग हिसाब से यूज करता हूँ। तो इसमें पिछले मतलब एक दो दिनों फीसर और दो दिनों ऑफलाइन का चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम किया था, उसको उसने सेल कर दिया। इस बार फिर तो अभी इसको मतलब इसके पास मैंने फिर से 5-1 दिया है लूटिंग ऑफिसर का, फर्स्ट रिंग किया है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ऊपर आ जाइए, ऊपर मेरा लूटिनो इस मतलब इस केज में मेरा लूटिनो ऑफलाइन का प्यार है, इसने भी 2 क्लास सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, अभी थर्ड क्लास चल रहा है। इसका भी मैंने दोस्तों एक फर्स्ट रिंग कर दिया है, इसका एक मैंने दूसरे का शिफ्ट कर दिया, इसका अंदर भी मैंने लूटिनो ऑफिसर का एक शिफ्ट किया है, तो देखते क्या होता है। अभी इधर आइए फ्रेंड से लुटिया फीसर है, इसने भी 2 टाइम 1 दिया था, लेकिन 2 टाइम 1 से मुझे कोई चिक नहीं मिला, मतलब एक को मैंने फर्स्ट टाइम किया था इसलिए एक चिक को मिल गया था, बाकी एक सब खराब हो गया। तो थर्ड टाइम इसने फिर से एक दिया है, लेकिन इसका एक मैंने सिर्फ मतलब फर्स्ट टाइम कर दिया और उसका एक मैंने इसका अंदर दे दिया है। अभी नीचे आइए, ये भी मेरा लुटिया फीसर का 2 पेयर है, तो एक तो स्प्लिट है और बाकी 3 प्रॉपर रेड आई ब्लड लाइन का मतलब पीस है। तो इसने भी फर्स्ट टाइम एक दिया था, 4-4 का एक दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी चीज या कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिला था। तो सेकेंड टाइम इसने 5 और ए पी आर ने 4-1 दिया था, तो ए 9-1 को मैंने फर्स्ट मतलब शिफ्ट कर दिया फ्रेंड्स, और इसका अंदर मैंने कोई एक नहीं दिया क्योंकि इसको मैंने मतलब दोबारा से मतलब एक पे ले आना है, इसलिए मैंने इनको कोई एक नहीं दिया है, मतलब इसका सारा जो एक था मैंने इसको फर्स्ट रिंग कर दिया। तो देखते कैसे क्या प्रोग्रेस आता है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बस यार तो मैं सब वीडियो आपके साथ करता हूँ। और इधर आइए, और इसका मतलब 100 मार्क्स के साथ मतलब ब्लू मार्क्स का प्यार है, इसका फर्स्ट क्लास था जिसमें 5 चिक्स निकला था, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस मिला था, तो इस बार इसने फिर से 7-1 दिया है फिर। तो ये सारा लाभबर्ड था, ये मेरा टोटल जो लाभबर्ड था मेरा सेटअप का 22 प्यार, उनको मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी सब तो एक में है, मतलब सभी एक ले किया है, और 3 प्यार का अंदर ठीक है, और मैं आपको दिखा दिया था उसका प्रोग्रेस। तो इनका मतलब जैसा जैसा प्रोग्रेस आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज थोड़ा मैं आपको मतलब क्या क्या वेजिटेबल या ग्रीन फूड दूंगा वो भी थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं वीडियो ख़त्म करने के बाद ये सब प्रोवाइड करने वाला हूँ बर्ड्स को। तो ये तो मतलब सभी दोस्तों जो मेरा पैरोट्स है, बड़ा बर्ड है, मतलब ग्रे पैरोट, सन कुनु, पाइन एपल कुनु, ब्लैक कप कुनु, उनका है। तो इनमें से मैं ये पालंग है और ये जो बीम्स है ये मैं सब बर्ड्स को दूंगा, और ये जो गुआवा है और इसको हम लोग कुमड़ो बोलते हैं बंगाली में, और ये गाजर है, ये सब मैं अपना सन कुनु ग्रे पैरोट उनको प्रोवाइड करूंगा। और ये दोस्तों मतलब कड़ाई सूटी है, तो इनको मैं अगर मतलब छाड़ा के इसका अंदर जो मटर होता है वो मटर ये सबको मैं प्रोवाइड करूँगा, ये जगह मटर। तो पालंग में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पालंग में पोटेशियम, जिंक और सोडियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो कैल्शियम लेवल का डिफिशेंसी को थोड़ा कम कर देता है। इसे जो सब बर्ड्स मेरा एक ले करने वाला है उस सब बर्ड को मैं पालंग संग नहीं देता हूँ। और पालंग संग देने से क्या होता है, जो लोग का चीक 15-20 दिन का होता है उनका फेदर का कलर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस होने के लिए पालंग शक में तो उनका चिक्स का जो फेदर का कलर है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसका एक ही मतलब माइनस पॉइंट है, जो पालंग शक जो कैल्शियम लेवल होता है बर्ड्स को उसको थोड़ा लो कर देता है। इसलिए आप कभी भी जो बर्ड्स एक ले करने वाला है या उसका मेटिंग चल रहा है उनको मत प्रोवाइड कीजिएगा, नहीं तो वो कच्चे एक दे देगा। बाकी आप मेरा तो अभी सभी बर्ड्स एक ले कर दिया है, तो इसलिए मैं पालंग शक आज उनको सबको दूंगा, मतलब इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो आज थोड़ा यही दिखाना था फ्रेंड्स, यही सब शेयर करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में जितना भी प्रोग्रेस आएगा लव बर्ड्स का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा पाइनएप्पल कुनू, सान कुनू, उसमें सब एक दिया था, कुछ का चीक भी निकल गया था, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।